अभी बिल्डअप होने दीजिए, वी आर लाइव नाउ। आ गई ऑडियंस, सो आप सबसे पहले जितने भी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में इतना भी योगदान और इतना भी सिखाया है, सबको चरण छू के प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद ही हमें इतना आगे बढ़ाया है, और अभी हम आगे बढ़े कहाँ हैं। अभी तो आप सबको और प्यार और आशीर्वाद मुझे देना है, ताकि हम बता सकें कि हम आपके चेला हैं, हम आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं। और मेरे गुरु जी माननीय व्यास कमलाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे झाल बजाना सिखाया, उनके चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और गुरु जी आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ढेर सारी शुभकामना इस अपने बेटा के तरफ से, अपनी चेला के तरफ से। और उससे पहले मैं 5-6 महीना एक और गुरु जी थे मेरे, जो कि रामाशंकर यादव जी, जो कि सिवान के, वो भी ब्यास ही। तो मेरे जितने गुरु हैं जिन्होंने मेरे जीवन में योगदान, और हम लोग गुरुदेव बोलते हैं माननीय हमारे प्यारे लाल कवि जी को, अधिकांश हमारे साथ रहते हैं। और एक गुरु का भी धर्म, एक बड़े भाई का भी धर्म, एक पिता का भी धर्म हमेशा निभाया उन्होंने। तो इसलिए आपको भी ढेर सारी शुभकामना। हमारे जितने बड़े भाई हैं जो इंडस्ट्री में हैं, जिनको देखकर हम लोगों ने सीखा है, मानिए हमारे बड़े भैया रवि जी, बड़े भैया मनोज भैया, दिनेश भैया, पवन भैया, ये लोग भी हमारे गुरु से कम नहीं, क्योंकि इनको देखकर हम बड़े हुए हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो इनका गाना सुन के, इनकी सिनेमा देखकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी हमारे लिए गुरु से कम नहीं। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, सब लोग हमारे गुरु की तरह हैं। जो हमारे राइटर हैं, हो सकता है वो मेरा छोटा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बताता है कि भैया ये गाना ऐसे है। वो भी हमारे गुरु की तरह ही है, क्योंकि हमें वो लिख कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी एक गुरु की तरह ही होता है। हमारी ऑडियंस एक गुरु की तरह है कि हम क्या करते हैं, हम गलत करते हैं तो हमें डांटती है, हम सही करते हैं तो हमें चावसी देती है, एक गुरु की तरह कि बेटा बहुत अच्छा किया। तो हमारी ऑडियंस भी हमारे गुरु से कम नहीं है। तो मैं पूरी, जितने लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं सबको तहे दिल से आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबका चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि आपने अपने प्यार से ऐसे पौधे को पाला है जो आज छोटा छोटा फल दे रहा है। हाँ, कभी कभी मोजर झड़ भी जाती है, कभी कभी झटहा कुछ ज़्यादा चल जाता है, लेकिन आपका प्यार इतना बड़ा है मेरे प्रति कि हमेशा हमें संभाल के रखता है और मैं हमेशा मजबूत रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री से जितने भी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे हीरो जितने भी मेरे से सीनियर हैं, सब लोग मेरे गुरु तुल्य हैं। सबको मैं तहे दिल से प्रणाम, अपने ऑडियंस को चरण छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने अपने प्यार से बड़ा किया और आशीर्वाद देकर मुझे एक लीटी बेचने वाला, एक दूध बेचने वाले लड़के को, एक गांव में रहने वाला, शिक्षा कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, गरीबी में नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि शायद मैं पढ़ के भी इतना आगे नहीं बढ़ सकता था जितना आप सबका प्यार मुझे ना पढ़ के मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ी। हाँ, जितना मुझे जिन गुरुओं ने पढ़ाया है, मुझे स्कूल टाइम पे जिन गुरुओं ने मुझे बताया है, दो अक्षर भी बताया है, वो भी उनका भी योगदान मेरे जीवन में है। उन गुरुओं को भी मैं अपने शिक्षा, जितना मैंने शिक्षा किया उतना जिन्होंने पढ़ाया, उनके भी चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे पर बहुत मेहनत की, चाहे जितना भी किया। और हाँ, एक और बात कि मैं इस दुनिया में आया तो किसके बदौलत आया? मैं अपने मम्मी पापा को, 2-3 महीने में मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे दुनिया में नहीं लाया होता तो मैं आज आप सबके बीच में आपका बेटा बन के नहीं होता। तो मेरे मम्मी पापा को भी चरण
हमेशा छूता हूँ, आजीवन छूना है, जब तक वो जिए तब तक छूना है, और नहीं भी रहे उनके फोटो को भी आशीर्वाद समझ के अपने अंदर लेना है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे ऑडियंस से लेकर मेरे गुरुओं से लेकर मेरे मम्मी पापा को इतनी लंबी आयु आप ईश्वर प्रदान करो, ताकि मैं हमेशा इनके आशीर्वाद में रहूं और हमेशा इनका प्यार पाते रहूं। तो मेरे मम्मी पापा को भी ढेर सारी गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना। पापा मम्मी लव यू, मेरी ऑडियंस लव यू, मेरे गुरु जितने भी है, मेरे बड़े स्टार, मेरे बड़े भाई लोग, सबको लव यू, चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरी की मेरी जितनी भी राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर जो भी मेरे सहकलाकार हैं, जो मुझे, मैं कुछ नहीं आता था, मुझे बताते थे, उनको भी लव यू। और आप सब बताइए कैसे हैं। और एक काम, जितने भी मेरे इससे कितने लोग जुड़े हैं इससे, मैं कुछ 4000 समथिंग, 4000, जल्दी जल्दी इसको 15 लाख करो यार मेरे भाई। फॉलोअर्स को, फॉलोअर जितने भी हो आप लोग, फेसबुक पे तो हो ही, मेरे साथ बहुत सारे भीड़ है फेसबुक पे, बहुत सारे लोग मुझे मोहब्बत देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी रहो, ताकि आप इस पे जितना जुड़ोगे उतना ही मैं यहाँ से आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। फेसबुक पे तो डायरेक्ट बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं इस पे आप सबसे डायरेक्ट बात करूंगा। तो किसी को जोड़ो आप, कुछ लोग बता दीजिए, कुछ लोग के रिक्वेस्ट भेजते जाए तो आप कि आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि मैं आप सबसे बात भी कर सकूं और आप सबसे रूबरू हो सकूं और आपसे डायरेक्ट बात करूं मैं। तो अभी हाँ, तो हाँ जिम कर लीजिए। एक्चुअली मैं बॉडी बढ़ा नहीं रहा हूँ, स्लिम कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बड़ी हो जाती है तो आदमी हीरो नहीं बल्कि लगता है जे क्या बोलते हैं, पहलवान हो गया। पहलवान नहीं यार, क्या बोलते हैं जो बेचारे हम लोग की रक्षा करते हैं, अच्छा बाउंसर, बाउंसर। आदमी का बॉडी जब ऐसे हो जाता है तो बाउंसर लगने लगता है, तो फिर हीरो वाली बातें नहीं रह जाती। तो बहुत लोगों ने सलाह दिया, बहुत ऑडियंस ने मुझे बोला कि भैया आप स्लिम करिए अपने आप को, बाकी हॉलीवुड हीरो की तरह। तो मैं कोशिश किया कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को बल्कि स्लिम बॉडी कट्स जितने हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसी के लिए अब मेहनत कर रहा हूँ। अब बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कोई जुड़ा, ये सिमी जी जुड़ी हैं। हेलो, एक सेकंड में कैमरा। हेलो बहन, कैसी हो आप? हेलो सर, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आप सबका आशीर्वाद, दुआ और आप सबका प्यार। पता है क्या, मैं आपका बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ी वाली। मैं सोचती हूँ कब आपसे मुलाकात होगी मेरी, मैं सोच भी नहीं सकती कितनी खुश हूँ आपसे बातें हो रही है। अरे आप सबका प्यार हूँ, आप सबका भाई हूँ, आप सब कभी भी बात कर सकती हैं। और मम्मी पापा कैसे हैं आपके? सब अच्छे, आप कैसे हो? आशीर्वाद उनका है मेरे ऊपर और आप सबका प्यार और मोहब्बत है, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना अपने बहन को। खुश रहो बहन। आपको भी भैया। भाभी कैसी है? भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। अभी तो मैं शूट पे हूँ हैदराबाद, वो लोग घर पे हैं, क्योंकि शूट पे वो नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं वो हाउस वाइफ है। तो आपको तो पता ही है कि हमारे देहात की औरतें कैसी होती है, उनका सोचने का तरीका। हम लोग भी गांव से ही है। अच्छा अच्छा, औरंगाबाद जिला से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, और बाकी सब घर पे हो आप? जी मैं गांव पे ही हूँ। चलो चलो बहन, अपना ख्याल रखो। ओके बहन, बाय, लव यू बाबा। ओके, मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ले लो बेटा, ले लो ले लो ले लो। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहन, बाय बाय। अभी किसी और का नंबर। अरे यादव जी अपने आप से। हेलो, एक मिनट भैया, लाइव है, मैं फोन करूँ क्या? इंस्टाग्राम पे जुड़िए आप भी। ठीक है, एक एक करके जोड़े, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना कि अभी अनिल भैया का रिक्वेस्ट आया है बहुत। जो परिवार के लोग उनको मत जोड़ो, जो मुझे बेचारे दूर से देखते हैं उनको जोड़ो, जिनके साथ हम रहते हैं उनको जोड़ के क्या करोगे, वो तो हमेशा साथ में ही।
हाय भाई। अरे बहन, कैसी है बहन? क्या नाम है आपका? श्रेया नाम है मेरा। कैसी है श्रेया? जी हाँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बस बस दुआ आशीर्वाद आप सबका। बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोग अच्छे, आप लोग के लिए अच्छा काम कर सकूं। कहाँ है सर आप अभी? मैं हैदराबाद में हूँ बहन। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद साउथ साउथ हेलो साउथ में हूँ हैदराबाद। आपका नेटवर्क हेलो टेम्पो के कमाई से अच्छा, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट लड़कियों के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। रक्षाबंधन नजदीक है भाई, सब बहनों को बात करना अपने भाई से। ये फैशन डिजाइनर हैं, सी इज अ फैशन डिजाइनर। हाय हाय, हेलो, कैसी हैं आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। थैंक यू बहन। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? कहाँ से हैं आप? मैं तो पटना से हूँ। अच्छा पटना से। क्या नाम है आपका? रूपा मिश्रा। रूपा जी प्रणाम, ब्राह्मण कुल के हैं आप? प्रणाम कर रहा हूँ आपको। आपको भी। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, पटना में बहुत बार मिलेगा कोशिश की, बट आपका सूट कंप्लीट हो जाता है और मैं लेट पहुंचती हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, हम भी इस बार आएंगे तो जरूर मिलेंगे रूपा जी आपसे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टाइम कम होता है और काम ज्यादा होते हैं, इसलिए हम नहीं मिल पाते हैं, और हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन कोशिश रहेगी कि हम इस बार आए तो जरूर आपसे मिले। ठीक है, कहाँ रहती हैं सर आप? मैं एक फोटो हाँ एक फोटो ले लेती हूँ। हाँ ले लीजिए ले लीजिए। थैंक यू। ओके ओके नमस्ते। और मैं इस बार आपसे पक्का मिलूंगी। ओके बाय। थैंक यू सर, जरूर 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 जरूर। बाकी सबको मौका मिलना चाहिए। ओके थैंक यू, बाय बाय। सिर्फ चार रिक्वेस्ट और, भैया बार बार जिम कर रहे हैं, सो चार और रिक्वेस्ट। ये देखिए इस समय अपनी ऑडियंस 7530। हेलो सर। हेलो बाबू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ। क्या नाम है आपका? मोनू। अच्छा मोनू, मोनू कहाँ से? मोनू दिल्ली। अरे वाह वाह, गुड। मेरा वर्किंग वर्किंग टाउन है वो दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली दिल्ली में बॉर्डर बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर में मैं बहुत शो किया हूँ फरीदाबाद में। हाँ हाँ सर, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ, काफी रिक्वेस्ट। अरे अरे कोई बात नहीं भाई, मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो जरूर आपसे मिलूंगा बाबू। पक्का। ओके ओके, किस चीज का दुकान है ये आपका? कॉस्मेटिक्स। ओ गुड गुड गुड, चलो ईश्वर करे आपकी दुकान रातों दिन चलते रहे, आपको कभी फुर्सत ना मिले। मेरी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मनु, चलो बाबू। ओके सर, ओके ओके, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, प्रणाम बाबू। तीन लोग और, तो और कोई बुरा ना माने प्लीज, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी। लेकिन ये आप लोग सब लोग इंस्टाग्राम पे रहिए भैया के, आज से भैया इस तरह इंस्टाग्राम पे इंटरेक्टिव सेशंस करेंगे सबके साथ।
इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट्स हैं। और शिव शक्ति से गाना भी रिलीज हुआ है जो, हाँ। आप लोग उसको प्यार और मोहब्बत दीजिए। एंगल से रिलीज हुआ था, आदिशक्ति से हुआ था, ग्लोबल से हुआ था, और एक हमारी अंकिता फिल्म से हुआ था। और किससे हुआ है? ग्लोबल से हुआ है, जिसमें वन डे 10 मिलियन हुआ है गाना। हाँ, वन डे 10 मिलियन हुआ था। बड़ी मेहनत किया सबने। हेलो राम राम भैया, राम राम। नाम है मेरे भाई का? सुरेंद्र पाल। अरे सुरेंद्र, कैसे है सुरेंद्र? अरे भैया, आपके आग्रह बहुत सुनता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका भैया। जान, लव यू मेरे भाई, लव यू। कैसे भैया? एक नंबर भैया, आपकी दुआ है सब। अरे हम तो आप सबकी दुआ आशीर्वाद से चलते हैं सुरेंद्र भैया। फोटो ले लो, फोटो। कहाँ से? मुंबई, मुंबई। अरे लव यू मेरी जान। प्रताप ओके ओके ओके, चलो आप फोटो ले लो। फोटो एक फोटो एक फोटो सर, एक फोटो एक फोटो। हाँ फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो सुंदर। ओके एक मिनट भैया, वीडियो ले लो, वीडियो। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ थैंक यू, लव यू सुरेंद्र, लव यू, लव यू मेरी जान। चलिए मोनो, आपका दिन बन गया, बहुत बहुत बधाई। अभी सिर्फ दो रिक्वेस्ट बचे हैं, सिर्फ दो ही लोग ले पाऊंगा। तब तक आप एक मशीन को देखते रहिए। अच्छा आप कुछ अपने इनके बारे में बताइए, आपको लोग इतने नामों से बोलते हैं, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, दबंग स्टार, सब फैंस का दिया हुआ नाम है आपको, उसके लिए बोलो। कुछ बोलिए आप, सब फैंस आपको इतने नामों से जानते हैं और ऑलमोस्ट इस समय 9000 लोग आपको देख रहे हैं, जबकि आपने सिर्फ आपने तो कोई पोस्ट डाला था, हम लोगों ने डाला था 10 मिनट पहले, 9000 लोग आपको इस समय देख रहे हैं। सबको दिल से प्रणाम जो मुझे फॉलो करते हैं, और फॉलो करिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे। अब मैं आप सबसे लाइव, जब भी अब इंस्टाग्राम पे आप सबसे लाइव बात करूंगा मैं, तो जितना हो सके आप मुझे फॉलो करिए। और इतने सारे नाम देने के लिए, विवेक का अच्छा सवाल था कि इतने सारे नाम आपको लोग देते हैं, उसका रीजन है कि एक बेटे को एक माँ कितने नाम से बुलाती है, एक पिता अपने बेटे को कितने नाम से बुलाता है, रे छुटका, रे बबुआ, रे बचवा। वैसा ही मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस के गोद में बैठता हूं, हमारी जो भगवान स्वरूपी जनता है वो मुझे हमेशा प्यार करती है, और प्यार करने वाले लोग आपको किसी भी नाम से बुलाएं वो आशीर्वाद के स्वरूप ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये इनका प्यार है जो मुझे कितने नाम से बुलाते हैं, कभी सरकार नाम से, कभी हिट मशीन, कभी ट्रेंडिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू, आप सबका बेटा हूँ, यही मेरे लिए मेरे सौभाग्य है जिन्हें आप सबका बेटा हूँ और सबके दिल में रहता हूँ। और बस रिक्वेस्ट यही है कि इस दिल से कभी दूर मत करिएगा। खुशी जी हैं। हेलो सर। हेलो, कैसी है खुशी? चेहरा, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? अरे बढ़िया हूँ बहन, आप कैसी हो? नहीं बहुत अच्छी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पता है आपको। थैंक यू मैम, मैं बहुत आपसे बात करी, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। कहाँ से हो बहन आप? लखनऊ से सर, लखनऊ से। अरे अरे, गुड गुड, हमेशा मैं आते रहता हूँ लखनऊ शूट करने। सर एक बार आइएगा तो मिलेगा जरूर। जरूर जरूर बहन, जरूर। और रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामना इस भाई की तरफ से बहन, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक फोटो एक फोटो। हाँ बहन, ले लो ले लो ले लो, आप ले लो। एक सेकंड सर। थैंक यू सर।
ओके बहन, बाय बहन, बाय। सो लास्ट एक, थैंक यू। लास्ट एक बचा है और एक लोग और। अच्छा सेशन हो गया सुबह सुबह का। और आज आपका सीन क्या है? वो भी बहुत कठिन सीन है आज। सो मतलब रात को फाइट है मेरी। हाँ आज फाइट करना है मुझे, और भी यहाँ के बड़े विलेन हैं उनके साथ। हाँ जूनियर एनटीआर के बड़े भाई है आपके विलेन, ये लीजिए। लेकिन इनको लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है, इनको नहीं लेंगे तो बहुत बवाल भी करते हैं। प्रणाम भैया। गुरु बाबू कैसे हैं? अरे ठीक है भैया, गुरु पूर्णिमा को प्रणाम। अरे खुश रहिए। अरे अब ब्राह्मण कुल के लोगों को आशीर्वाद देने की क्षमता हमारे अंदर तो नहीं है। नहीं नहीं, हमारे गुरु है ना, भाई हैं, आप भाई हैं, इसलिए ईश्वर आपको हमेशा तरक्की दे। आपकी अपनी मोहब्बत जिनसे जिनसे है वो आपको हमेशा प्यार में रखे, क्योंकि इतना प्यारा भाई को कोई मोहब्बत से दूर कर दे ठीक नहीं है, और उस लायक आप हो भी नहीं कि कोई दूर करे आपको। लव यू ऑल। कि हमेशा मम्मी पापा से लेकर जितने भी आपके आदर्श हैं सबको ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद लेते रहिए और देते रहिए। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। पढ़ो, जा रहा हूँ वैष्णो देवी। क्या मांगोगे वैष्णो देवी से? अपने भाई के लिए ही मांगूंगा कि और 20 साल। मांगना है, मांगना है। हमारे बुजुर्गों की लंबी उम्र मांगना पगले, हम तो तुम्हारे भाई हैं। बुजुर्गों की लंबी उम्र मांगो ताकि उनके आशीर्वाद में हमेशा हम बने रहें और हमेशा आशीर्वाद उनका मिलता रहे, ठीक है? चलो प्रणाम, बाय बेटा। चलिए बाबा प्रणाम। गुड़ी पूर्णिमा में आपको भी हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम भैया, बाय बाय। बाय बाय। ये तो परिवार के सदस्य जुड़ गए थे क्योंकि ये मैसेज खतरनाक करते हैं। बस लास्ट कोई मिस्टर अंकित इनोसेंट बॉय अन्नू रॉय आपको करते हैं, आपका डीपी भैया के साथ, इसलिए मैं आपको ऐड करूं। हेलो, हाँ जी जी, इन्होंने आपकी डीपी भी आपके साथ लगाई हुई है। अरे ये तो ले अपने अनु, चल बेटा। परिवार अभी अलाउड नहीं है। परिवार अलाउड नहीं है, चलो। परिवार अलाउड नहीं है, परिवार साथ में जाते हो ना तुम, चलो। अनु आपने तो ये कर दिया कंफ्यूज भैया साथ, फोटो डीपी डाल के। कहाँ गया आपका लियाकार संग? सिराजुद्दीन, हेलो सर, ओ माय गॉड, हेलो, कैसे हो बहन? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं, ओ गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू बहन, थैंक यू। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं अच्छी हूँ, मेरा नाम नैना है। मैं पहले नाम, हाँ जी, नैना, 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 सॉरी, कहाँ से हैं नैना? सर बेसिकली तो मैं बनारस से हूँ, अभी आफ्टर मैरिज मैं अभी राजस्थान में रह रही हूँ। ओके ओके ओके, चलिए हैप्पी मैरिज लाइफ। थैंक यू सर। नहीं मेरी शादी को तो बहुत साल हो गया सर। लेकिन मैं आज जान रहा हूँ, मैं आज जान रहा हूँ, आपका भाई तो आज जान रहा है ना, तो आज ही तो मैं बधाई दूंगा आपको। सर आप तो मुझे अच्छे लगते हैं, आप मुझे बहन मत बोलिए प्लीज। अच्छा, हम अच्छे दोस्त हैं, गुड गुड, अच्छे दोस्त। सर मैं आपके हर एक गाने, पहले तो इतना मैं भोजपुरी गाने पे डांस वगैरह नहीं करती थी, बट अभी जब भी मैंने कुछ सॉन्ग आपका देखा है तो मेरी सारी वीडियोस, मोस्टली वीडियोस में रील्स बनाती हूँ, मोस्टली आपके ही गाने होते हैं। अच्छा अच्छा,
और कुछ वर्डिंग्स जो होते हैं समझ नहीं आता है तो मैं थोड़ा उसको गूगल करके थोड़ा देखती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। नहीं लेकिन अगर आप बनारस से हैं, माइंड ब्लोइंग बीट नैना, आप बनारस से हैं तो अपने मिट्टी को कभी भूलिए मत, हमारे मिट्टी के ही वो शब्द हैं, कोशिश करिए सर। वो तो कर्म भूमि जन्म भूमि सब कुछ है सर, मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती सर। सर आप नेक्स्ट बनारस कब आ रहे हो पहले मुझे ये बताओ। मैं अभी तुरंत शूट करने गया था, मैं परदेसिया, एक्चुअली एक गाना मेरा बहुत बड़ा शूट हुआ है अभी सारे का मांगा। जय जय शिव शंकर, ओ जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, तेरे नाम का पिया। 29 ये 29 अभी नेक्स्ट कब आ रहे हो सर आप? तो आप बनारस ही रहती हैं नैना? नहीं फिलहाल तो अभी मैं राजस्थान में हूँ, मैं जाऊंगी अभी, आप बताओ मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं आऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको। मैं अभी साउथ में एक सिनेमा कर रहा हूँ उसी के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ हाँ सर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप, माय गॉड मैं हूँ। चलो आपका, आप लोग, आप सबकी मोहब्बत हुई है मेरे लिए बहुत है कि एक आम आदमी। आई लव यू सर, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू नैना, आई लव यू टू टू। मेरे तरफ से पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामना गुरु पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की। सर आप खूब तरक्की करो, खूब अच्छे अच्छे गाने निकालो जिसपे हम डांस करते रहे, झूमते रहे। बिल्कुल 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 सर, ठीक है सर, एक फोटो फोटो सर, फोटो फोटो फोटो, डोंट गो डोंट गो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय सर, बाय बाय। सो थैंक यू सो मच। आज नैना का भी दिन बन गया है और कुछ फैंस का, और कुछ लोग नाराज हो रहे हैं उसके लिए सॉरी है, बट अब इसको सेशन खत्म कर देंगे क्योंकि भैया को जिम करना है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा शूट। तो अभी बाय बाय बोलिए और नेक्स्ट सेशन में जल्दी करेंगे। थैंक यू, और गुरु पूर्णिमा के पूरी इंडस्ट्री को लेकर अपने बड़े भाइयों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना। और आप सबका प्यारा, आप सबका बेटा, कैसा लगा आपको पहला इंटरेक्टिव सेशन? बहुत अच्छा लगा, पहली बार में लाइव बात किया हूँ तो ये अच्छा लग रहा है। और आप लोग जितना जुड़ेंगे, मैं जब भी अब लाइव आऊंगा तो हर, मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन पे आप सबसे बात करूंगा, तो जो जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, तो आप जो जितना फॉलो करेंगे आप सबसे उतना ही मैं बात करता रहूंगा, और हर 2-4-5 दिन पे आप सबसे कनेक्ट होता रहूंगा, आप सबकी हालचाल लेता रहूंगा और आशीर्वाद लेता रहूंगा। लव यू ऑल, दिल से थैंक यू, लव। ठीक है तो इसको जल्दी जल्दी 1.5 मिलियन आप लोग पहुंचा दीजिए। ये देखिए पूरा MTV के टी शर्ट में हमारे मशीन, और अभी नेक्स्ट लाइव होगा उसमें कुछ लोगों को, और हम लोग हर एवरीडे भैया से ट्राई करेंगे कि 5-10 लोग से बात कर ले। बाकी बोलो, हम के गाने सुनते रहिए, एंड भैया और हम लोग सबकी तरफ से लव यू।